नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिहार के बांका जिले में पत्रकारिता की आड़ में शराब तस्करी का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 6 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बोतलें बरामद की है। बताया जा रहा है कि झारखंड से भलजोर चेकपोस्ट होकर बौंसी थाना क्षेत्र से होकर शराब की खेप जाने की गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार गुप्ता के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन कर वाहन चेकिंग शुरू की गई। बौंसी थाना क्षेत्र के सुखनिया पुल के समीप एक टाटा 407 वाहन गुजरा तो पुलिस ने इसको रोका और जांच की। पुलिस ने वाहन में विशेष रूप से बनाए गए तहखाने से 2443 बोतल विदेशी शराब समेत कुल 2514 बोतल शराब जब्त की गई। वहीं एक अन्य मामले में स्विफ्ट डिजायर कार से विदेशी शराब की 71 बोतल बरामद की गई। पुलिस ने कार सवार 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों में एक कथित रूप से पत्रकार है। पुलिस ने इसके पास से पुलिस सर्विलांस राष्ट्रीय समाचार पत्र के साथ ही MNN का IED कार्ड बरामद किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के मकदुम्मा के राजा कुमार मंडल, अमित कुमार झारखंड के बोकारो चास के देवाशीष कुंडू और अनुज तिवारी और उत्तर प्रदेश के गहमर का रहने वाला चंदन कुमार है। पुलिस के मुताबिक दोनों वाहनों से जब्त शराब की कीमत 10 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।